हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या एजुकेशन की डेफिनेशंस हैं, साथ में एजुकेशन का नेचर क्या है, ये सब करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने और भी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वो सारी लेक्चर्स भी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने आप सभी को व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं एजुकेशन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले देखिए, एजुकेशन के बारे में बात हो तो इंट्रोडक्शन आपको हमेशा लिखनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न है, एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड और एन एडल्ट एक्वायर्स नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल एंड साउंड एटीट्यूड। देखिए, एजुकेशन एक वो प्रोसेस है जिससे हम एनिमल से अलग बनते हैं, ठीक है। देखिए, इंसान कैसे अलग है जानवरों से, वरना उसको भी जानवरों की कैटेगरीज में ही डाल दिया जाए। अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो इंसान है उसके पास लैंग्वेज है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को याद रखता है, इम्प्रूव करता है, उसके पास स्किल्स हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एक इंसान जो होता है वो जानवरों से भिन्न है, जानवरों से अलग है। हमारी देखिए, एक सभ्य सोसाइटी में, एक अच्छे समाज में, एक सामाजिक इंसान बनने के लिए एजुकेशन, ज्ञान, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। एजुकेशन के अंदर बेसिकली नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और स्किल है, राइट। इट मेक्स एन इंडिविजुअल सिविलाइज्ड, ये एक इंसान को सिविलाइज्ड बनाता है और साथ में प्रकृति की ओर लेकर जाता है। देखिए, एक इंसान यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही रह जाएगा, वो कभी भी एक सोशल बीइंग नहीं बनेगा अगर वो एजुकेशन या सोशलाइजेशन के प्रोसेस में नहीं आता है। चाहे आप पहले के टाइम में देख लीजिए, पहले के टाइम में भी एजुकेशन होती थी, कैसे होती थी, गुरुकुल वगैरह होते थे, वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और किसी धर्म में देखोगे तो आप हर धर्म में अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि धर्म का निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ था कि आप जीने का एक तरीका ढूंढ सके, ज्ञान का एक तरीका ढूंढ सके, ठीक है। आज के टाइम में तो देखिए, धर्म का मतलब कुछ और हो गया है, पर उसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि जीने के लिए इंसान को एक दिशा मिल सके, एक दृष्टिकोण मिल सके, सही बात। तो इसलिए जो एजुकेशन है वो इंसान को सिविलाइज्ड बनाती है और एक सोशल सोसाइटी का निर्माण करती है, मतलब ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग एक इंसान को बनाती है, राइट। सो ये चीज रही। अब इसके बाद देखते हैं एजुकेशन का मीनिंग क्या है। देखिए, यहाँ पे जो एजुकेशन वर्ड है, एटिमोलॉजिकली इसका मीनिंग देखे तो ये लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है। अब यहाँ पे देखिए, आप बहुत सारे बुक्स वगैरह देखेंगे, एक वर्ड दे देते हैं। एजुकेशन वर्ड जो है लैटिन के सिर्फ एक ही वर्ड से नहीं लिया गया है, ऐसे पांच शब्द हैं जिनसे वो लिया गया है, पर हमें केवल तीन ही यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। एक मेंशन मत करना आप, ये तीनों मेंशन करना। एडुकेयर से लिया गया है जिसका मीनिंग है टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। दूसरे एडुकेयर का मतलब है टू लीड आउट, टू ड्रॉ। ये लैटिन वर्ड ही है एडुकेयर, ठीक है, और इनके मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो ये तीनों ही इस तरीके से आपको मेंशन करने इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से यहाँ पे कलरफुल वे में मैंने हाईलाइट किया है, इस तरीके से आप भी अपने एग्जाम में जरूर करें, इसी तरीके से इसको लिखें, आपको और अच्छे इफेक्टिव मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे फॉर श्योर। तो देखिए, एडुकेयर का लैटिन वर्ड एडुकेयर से एजुकेशन डेराइव्ड है, जिसका मतलब टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, एक्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, ये सब इसके मीनिंग हो गए, ठीक है। अब हिंदी में देखिए तो देखिए, हिंदी में वर्ड होता है एजुकेशन का ही जो वर्ड है हिंदी में वो है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा होता है, शिक्षा का बेसिकली मतलब होता है, इसके रूट वर्ड्स संस्कृत से डेराइव्ड है शिक्षा वर्ड, शस, ठीक है, शस वर्ड से। इसका मतलब होता है टू डिसिप्लिन, टू कंट्रोल या टू इंस्ट्रक्ट या टू टीच, ठीक है। तो ये शिक्षा से भी हम अब मतलब देखिए, इंडिया में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इस तरीके से जरूर लिखेंगे। सिमिलरली अगर बात करें तो संस्कृत में वर्ड होता है विद्या, जो कि संस्कृत वर्ड रूट वर्ड विद से डेराइव्ड है, जिसका मतलब होता है ज्ञान, मतलब टू नो,
ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीजें आपको हाईलाइट करके लिखनी है। जितने अच्छे से आप हाईलाइट करके लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं, तो हमेशा हाईलाइटिंग का ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे यहाँ पे है डेफिनेशंस, ठीक है। अब देखिए पहली डेफिनेशन है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई, फिर है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई, फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, स्वामी विवेकानंद और एरिस्टोटले और रूजो। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस हैं, मे बी आपके बुक में किसी और तरह की डेफिनेशन आपने किसी और के द्वारा पढ़ी हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ दो डेफिनेशन लिखनी है, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो इनमें से कोई भी दो डेफिनेशन आप चुन ले। एक देखिए आपको डेफिनेशंस चुने इंडियन फिलोसोफर की, और एक डेफिनेशन आप चुन सकते हैं वेस्टर्न फिलोसोफर की, ठीक है। मैंने यहाँ पे चार डेफिनेशन इंडियन फिलोसोफर्स की आपको दी है और दो वेस्टर्न की दी है। तो आप एक ऐसे ही कॉम्बो बनाएं, एक ऊपर चार में से एक चूज करें और नीचे की दो में से एक चूज करें, ठीक है। देखिए रूसो की बहुत आसान है, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए रीड करते हैं, समझते हैं इन डेफिनेशंस को। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ बेस्ट इन मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी कहते थे कि एजुकेशन से उनका तात्पर्य यहाँ पर है कि बच्चे के अंदर क्या हो, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उसकी बॉडी का, ठीक है, उसका मतलब शारीरिक, मानसिक और उसके अंदर जो एक स्पिरिट है, ठीक है, इन सभी का यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो। रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं एजुकेशन इनेबल्स द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रुथ विच गिव्स अस द वेल्थ ऑफ इनर लाइट एंड लव एंड गिव्स सिग्निफिकेंस टू लाइफ। देन जाकिर हुसैन जी की यहाँ पे डेफिनेशन है एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल माइंड गेटिंग टू इट्स फुल पॉसिबल डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की डेफिनेशन है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारी ही डेफिनेशंस इजी हैं, ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो आपको जो भी आसान लगे इन चारों में से आप पिक कर सकते हैं। उसके अलावा फिफ्थ और सिक्स्थ डेफिनेशन और भी इजी हैं। एरिस्टोटले जी यहाँ पे बोलते हैं एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगली डेफिनेशन यहाँ पे रूजो के द्वारा दी गई है, ये इनकम्प्लीट थी, अभी मैंने इसको कम्प्लीट कर दिया है। एजुकेशन इज द चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, ठीक है। तो देखिए ये भी काफी आसान है, तो आप अपने तरीके से जो भी आपको दोनों में से आसान लगे वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पे नेचर ऑफ एजुकेशन। देखिए फ्लो चार्ट आपके आंसर में बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे टीचिंग कोर्स कर रहे हैं और उसके अंदर आप आंसर्स में फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना बहुत आवश्यक है, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जो भी फ्लो चार्ट्स में पॉइंट लिखे हैं एक एक करके उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। पहला यहाँ पे है एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। देखिए एजुकेशन ऐसा नहीं है कि लाइफ में सिर्फ 5 साल, 10 साल या 10 दिन, 20 दिन ऐसे चलेगा, ये हमारे साथ अंतिम दिनों तक रहता है, ठीक है। कैसे, देखिए एजुकेशन जो है, नॉलेज जो है, ये सब शुरू हो जाता है माँ के पेट में ही, यानी कि गर्भ में ही शुरू हो जाता है और हमारी ग्रेव तक हमारे साथ रहता है, यानी कि मृत्यु तक साथ रहता है, ठीक है। ये एक इंसान को मैच्योर बनाता है, ठीक है, समझदार बनाता है, राइट। तो एजुकेशन जो है क्या है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यहाँ पर है। अगला है यहाँ पे एजुकेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखिए एजुकेशन एक सिस्टम से चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप देखिए यहाँ पे सिलेबस देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, तो वहां पे किस प्रकार का ये है कि पहले बच्चों को जनरल चीजें सिखाई जाती हैं, फिर उसके बाद जटिल चीजें सिखाई जाती हैं, फिर उनको रिसर्च करने के लिए कहा जाता है, राइट। इसी प्रकार से होता है। देखिए पहले आप प्री प्राइमरी में तो बच्चे को यही सिखाते हो कि आपको स्कूल के अंदर बेटा मतलब ढलना कैसे है, अडेप्ट
डेवलप कैसे करना है। फिर प्राइमरी में बच्चे का बेस बनाया जाता है, एलिमेंट्री में उसको मैच्योरिटी के साथ साथ मैच्योरिटी की तरफ वो बढ़ता है तो एजुकेशन दी जाती है, और फिर कॉलेज लाइफ में आते आते यानी कि हायर स्कूल में आते आते बच्चा जो है मैच्योर बन जाता है और फिर उसको रिसर्च वर्क या उसको वोकेशनल कोर्सेस कराए जाते हैं, राइट। तीसरा यहाँ पे है एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखिए एक सभ्य समाज के लिए पढ़ाई यानी कि एजुकेशन बहुत आवश्यक है। ये एक इंसान को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग बनाती है, एक सभ्य इंसान बनाती है। सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स पता चलते हैं, कौन सा करेक्ट बिहेवियर है कौन सा नहीं वो पता चलता है। इसलिए ही सोसाइटी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होती है। अगला है चौथा यहाँ पे, एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ आर बिहेवियर। देखिए जैसा कि ऊपर वाले पॉइंट में भी मैंने आपको बताया कि इससे हमें पता चलता है कि कौन सा बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा और कौन सा नहीं, तो यहाँ पे हमारे बिहेवियर्स मॉडिफाई होते हैं। कभी भी आप एक छोटे बच्चे को देखिएगा, अगर आप उसको मार्केट लेके जाते हो तो वो रोने लगेगा टॉय शॉप को देखकर कि मुझे ये टॉय चाहिए, राइट। बट वहीं पे वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि क्राई बिहेवियर मार्केट में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो गलत चीज है, तो उसको अपना ये बिहेवियर ऐसा शो नहीं करना है, उसको राइट टाइम का वेट करना है, या तो उसको बर्थडे पे एज अ प्रेजेंट उसको वो गिफ्ट मिले, या उसको मे बी अच्छे मार्क्स लाने पड़े तब वो भी गिफ्ट मिले। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का एजुकेशन के थ्रू, राइट। क्योंकि एजुकेशन से क्या आ रही है, एजुकेशन से मैच्योरिटी आ रही है। अगला है यहाँ पे, एजुकेशन इज पर्पसिव। देखिए एजुकेशन के पीछे हमेशा एक ना एक पर्पस होता है, एक गोल होता है जिसको अटेन करना होता है यानी हासिल करना होता है। देखिए ऐसे बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा है यहाँ पे फोर्थ क्लास के में एजुकेशन ले रहा है तो उसका पर्पस होता है मैं फोर्थ क्लास को क्लियर करके फिफ्थ क्लास में जाऊं। अगर आप सभी यहाँ पे बीएड कर रहे हैं तो आपका पर्पस है आप बीएड की एजुकेशन करके आप एक टीचर बन जाओ। तो एजुकेशन हम जिस भी फील्ड में जिस भी तरह की एजुकेशन लेते हैं तो उसका हमेशा एक ना एक पर्पस जरूर होता है। अगला है एजुकेशन इज ट्रेनिंग। देखिए एजुकेशन में सिर्फ ऐसा ही नहीं है थ्योरेटिकल ज्ञान होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, एजुकेशन में यहाँ पे प्रैक्टिकली भी बहुत सारी नॉलेज दी जाती है। प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं जैसे कि एक्टिविटी, स्किल, हमारे सेंसेस का डेवलपमेंट, हम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज करना यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है, तो ये सब भी होता है। तो एजुकेशन बिल्कुल एक ट्रेनिंग भी है, राइट। जैसे कि देखिए बहुत स्कूल का ही एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, जैसे कि हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं टॉयलेट की कि हाउ टू यूज द टॉयलेट, राइट, तो वो भी एजुकेशन का पार्ट है। हर एक कोर्स में, चाहे कोई भी वोकेशनल कोर्स देख लो आप कॉलेज के अंदर, तो उसके अंदर यहाँ पे इंटर्नशिप होती है, तो उस इंटर्नशिप में बेसिकली ट्रेनिंग ही दी जाती है, तो एजुकेशन के अंदर ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे है एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। देखिए एजुकेशन में हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, करना है किस तरीके से करना है, ठीक है, ये चीजें पता चलती है, और डायरेक्शंस मिलती हैं हमें सही तरीके से क्या चीज कैसे करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इससे इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन डेफिनेटली एजुकेशन हमें देता है। देन एजुकेशन इज लाइफ। देखिए बिना एजुकेशन के लाइफ का कोई भी गोल मोटिव नहीं रह जाता है। एजुकेशन एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से आपको सोशल बीइंग बनाएगी, आपका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट सिर्फ मानसिक ही नहीं, आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जैसा कि गांधी जी ने बोला, ठीक है। तो ये यहाँ पे था नेचर ऑफ एजुकेशन जो हमने की है, 8 नेचर। तो ये पूरा टॉपिक एजुकेशन का रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे सेल्स पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।